नमस्कार, मैं हर्षिता प्रताप सिंह आप सभी का डीडी बिहार के इस खास कार्यक्रम नेपाल सेंट्रिक में स्वागत करती हूं। भारत और नेपाल की मित्रता वर्षों पुरानी है। दोनों देश वर्षों से एक दूसरे के दोस्त और पड़ोसी होने का फर्ज निभाते आए हैं। हर अच्छी या बुरी परिस्थिति में दोनों देश एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े नजर आए हैं। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर राज बिहारी प्रसाद सिंह जी, एक्स वाइस चांसलर पटना यूनिवर्सिटी और नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि इन दोनों देशों की मित्रता की शुरुआत कैसे हुई। देखिए, भारत नेपाल के बीच मित्रता की शुरुआत मूलतः प्रकृति ने ही किया है। ये हमारी प्राकृतिक विरासत है। हिमालय जैसी ऊंची पर्वत श्रृंखला भारत और नेपाल दोनों के उत्तर है, उसको क्रॉस कर पुनः उत्तर की तरफ या चीन की तरफ जाना बहुत कठिन या दुष्कर था। आज भले ही तकनीकी विकसित हो गई, लोग चले जाते हैं, लेकिन पहले अत्यधिक कठिन था। अतः नेपाल जो मूलतः पहाड़ और मैदान के जंक्शन पर बसा हुआ एक राजशाही प्रजातंत्र राज है, कभी राजशाही हुआ करता था, वहाँ के लोग स्वतः हिमालय की पर्वतीय बाधा के कारण स्वतः भारत से जुड़ जाते थे। यह जुड़ना उनकी व्यवस्था थी या उनकी अनिवार्यता थी, और कहते कि ऐसा ये जुड़ा अपने आप कि राजशाही वहाँ रही, यहाँ ब्रिटिशर्स आ गए, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों का आना जाना ये ना टूटा ना छुटा। इसलिए कहते हैं कि भारत और नेपाल के बीच तो बेटी रोटी का संबंध है। एक दूसरे के घर आना जाना, शादी विवाह, रीति रिवाज, पर्व त्यौहार, धर्म सब एक है। इसलिए इसको आप ये नहीं कह सकते हैं कि किसी एक ने शुरू किया। लेकिन जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए तो ये भी गौर करने की है कि उन्होंने संपूर्ण भारत पर शासन किया, लेकिन उन्होंने नेपाल पर शासन नहीं किया। उसके विपरीत 1815 ईस्वी में एक बहुत फेमस सगौली समझौता हुआ, सगौली समझौता जो 1815 में नेपाल और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच हुआ था। वो समझौता ही राजनीतिक स्तर पर, राज्य स्तर पर दोनों राज्यों के बीच संबंधों की प्रारंभिक कड़ी थी, और उस समझौते में ही दोनों देश की सीमाएं तय की गई और ये तय हुआ एक दूसरे में दखल नहीं देंगे। लेकिन आम लोगों का आना जाना, मिलना जुलना, खान पान, रीति रिवाज ये भी बाधित नहीं करेंगे। ये एक बहुत बड़ी शुरुआत थी। फिर इसके बाद देखिए कई समझौते हुए, जैसे 1920 में एक बड़ा महत्वपूर्ण समझौता हुआ, वो उसको हम लोग शारदा समझौता कहते हैं, जो महाकाली रिवर है उसी समझौता का जो बाद में हुआ पूर्व का वो था, जिसमें ये भी तय हुआ कि कुछ भूमि, करीब 2-3 एकड़ भूमि रही होगी, उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को दिया। बदले में इन्होंने वो बांध बनाया, कुछ विभिन्न प्रकार की सुविधाएं नेपाल को दी। फिर इसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो 1950 में एक ज़बरदस्त समझौता हुआ, वो था भारत नेपाल के बीच संधि समझौता, संधि जिसमें व्यापार आदि सबको लेकर कुछ निश्चित मापदंड निर्धारित कर दिए गए थे। फिर इसके बाद कई समझौते हुए, 50 के दशक में तो समझौतों की झड़ी लग गई, जिसमें कि कोसी बांध बनाया गया, बहुदेशीय योजना, गंडक पर बनाए गए। फिर 1960 में एक ट्रेड एंड ट्रांजिट समझौता हुआ, व्यापार समझौता हुआ, ये चलता रहा समय समय पर। लेटेस्ट में बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब ये नेपाल की यात्रा पर गए 2018 में पहले, और वहाँ पर उन्होंने कहा कि साहब हम दोनों देशों को जोड़ने के लिए, वो बुद्ध पूर्णिमा में गए, बुद्धिस्ट सत्र में गए, और ये पहला प्रधानमंत्री था जो कि 5 बार तो निश्चित रूप से नेपाल की यात्रा कर चुके हैं। तो इस प्रकार से लगातार संबंधों को मजबूत होने का प्रयास होता रहा। भारत चूंकि बड़ा देश है, इसने ज़्यादा उदारता दिखाई, और यही कारण है कि आम लोग, अगर राजनीतिक स्तर पर कभी कभी दूरियाँ बढ़ी भी तो आम लोगों में दूरियाँ नहीं बढ़ी है, ये संबंध कायम है। सर, जो नेपाल की सीमा है वो भारत के 5 राज्यों से लगती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। शायद इसी कारण से इन राज्यों में और नेपाल में काफी सांस्कृतिक और धार्मिक समानताएं भी देखने को मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल है, आप सही कह रहे हैं। ये 5 राज्य जो हैं वो तो, देखिए
नेपाल की सीमा भारत से करीब 1850 किलोमीटर है, जो ये 5 राज्यों से है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इन 5 राज्यों की सीमा को अगर आप देखें गौर से, तो या तो नदी विभाजित कर रही है या बिल्कुल मैदान है, और कहीं कहीं पहाड़ है। पहाड़ जो है इन सीमाओं के बाहर है। नेपाल और चीन की सीमा को देखिए तो पूरा का पूरा ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं से बना हुआ है। तो नेपाल के लोगों को इधर आना पड़ा, क्योंकि देखिए वो ज़मीन तो उनकी पहाड़ी है, तो रोजगार के लिए कहाँ जाएंगे। जो भारत के पड़ोसी राज्य हैं, सबसे ज़्यादा वो बिहार आए, क्योंकि बिहार में सबसे लंबा सीमा उनका जुड़ता है। आप देखिए नेपाल में जो मैदानी क्षेत्र है, जहाँ जनकपुर आदि बसे हुए हैं, वहाँ रहने वाले लोगों को मधेशी कहा जाता है। मधेशी वो है, मधेशी शब्द आया मध्य एशिया से। इतिहास के पुराने दिनों में लोगों को पूरे एशिया का ज्ञान नहीं था, समझ रहे थे कि नेपाल तक ही है, हिमालय तक ही, वो मध्य एशिया हुआ। वहाँ पर जितने लोग बसे हैं उसमें आधे से भी वो बिहार के लोग हैं, और बिहार के साथ तो रोज हाट बाजार का संबंध है। नेपाल में अगर कोई ग्रामीण हाट लगाता, सीतामढ़ी आदि के लोग वहाँ चले जाते हैं, वहाँ के लोग यहाँ आ जाते हैं, ये स्वाभाविक है, जाएंगे कहाँ वो। और हमारे लिए भी ये अच्छा रहा कि उनसे संबंध होने का हमारी उत्तरी सीमाएं सुरक्षित हुई, क्योंकि नेपाल के लोगों ने भावनात्मक जुड़ाव दिखाया। तो सिमिलर है, वो उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, सिक्किम हो, पश्चिम बंगाल हो। इसीलिए आप देखिएगा इन राज्यों में नेपाली जनसंख्या बड़ी संख्या में है। और इसको जैसे पटना विश्वविद्यालय में, यहाँ पर नेपाली एक विषय की पढ़ाई होती है, अभी शिक्षक नहीं है, विद्यार्थी नहीं, पहले बड़ी ज़बरदस्त पॉपुलर विषय था यहाँ। आज भी नेपाली की पढ़ाई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में होती है, कलकत्ता विश्वविद्यालय में होता है। ये क्यों होता है? इसलिए कि नेपाल के लड़के कहाँ जाएंगे, नेपाल के बच्चे कहाँ जाएंगे। तो हम लोगों का ये था भाई, वो सब भाई हैं सारे के सारे, या 80% से अधिक जनसंख्या, लगभग 90% वहाँ भी हिंदू धर्म के हैं लोग या बौद्ध धर्म के लोग हैं, उनका सब समझे। तो इस्लाम के भी जो मानने वाले हैं, सबका संबंध भारत से है, उनके भी इस्लाम वालों के लिए भी अजमेर का दरगाह उतना ही पवित्र है जितना भारतीय मुसलमानों के लिए है। इसलिए एक बहुत गहरा संबंध जो मैंने शुरू में आपका, ये प्राकृतिक विरासत है, प्राकृतिक वरदान है, ये कहीं जा ही नहीं सकते हैं। अगल बगल में आप रह रहे हैं तो मिलजुल के रहना होगा। सर, हम दोनों देशों की मित्रता के विषय में बात कर रहे थे, तो दोनों देश हमेशा से एक दूसरे के सुख दुख के साथी भी रहे हैं। आप कुछ ऐसे मौकों के बारे में हमारे दर्शकों को बता सके जब दोनों देश एक दूसरे के मुश्किल वक्त में एक दूसरे के काम आए हों? हाँ बिल्कुल, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है या विचार अच्छा है। ये बता दें, नेपाल में राजशाही थी, जब भारत आज़ाद हुआ तो यहाँ कई धर्म की विचारधाराएँ थी। भारत तो शुरू से प्रजातांत्रिक देश बना, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये उचित समझा कि नेपाल अगर मजबूत होगा तो हमारा एक छोटा पड़ोसी देश मजबूत होगा। और एक अंग्रेजी में टर्म है राजनीति शास्त्र में, बफर स्टेट, एक तटस्थ राज्य। दो बड़े राज्यों के बीच अगर कोई छोटा राज्य है तो उसको तंग नहीं करना चाहिए। तो भारत ने इस नीति को बखूबी निभाया, या उस पर कोई संकट आए तो उसको मदद करना चाहिए। चीन आज भले ही नेपाल में आ रहा है, लेकिन चीन ने पहले कभी नेपाल को कोई मदद नहीं किया। 60 के बाद ही, या 57, चाओ इन लाई 1957 में चीन आए, इसके बाद ही चीन के साथ कोई संबंध हुआ। भारत के साथ तो अपने का प्राकृतिक और अनादिकाल का संबंध है। तो 1950 में नेपाल के जब राजा त्रिभुवन थे तो वहाँ पर विद्रोह हो गया। एक राणा फैमिली था जिसका प्रशासन में ज़बरदस्त पकड़ थी, उस परिवार ने विद्रोह का बिगुल बजा दिया या लोगों को बरगला दिया, आर्मी को बरगलाया, और नेपाल के महाराजा त्रिभुवन को राजभवन छोड़ना पड़ा, उनको निकाल दिया गया। और ऐसी स्थिति में वो निकल कर भारत की एम्बेसी में आके शरण लिया, भारत के दूतावास में आए, और भारत की दूतावास ने ना उनको सुरक्षा दी, बल्कि भारत सरकार को खबर किया गया, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के इनिशिएशन पर भारतीयों की मध्यस्थता, भारतीयों की दखलंदाजी, इसलिए नहीं कि हम नेपाल में दखल दे रहे हैं, इसलिए कि नेपाल की जो परंपराएं विरासत है वो पुनः स्थापित हो, और महाराजा त्रिभुवन को पुनः सत्ता वापस दिया गया, वो राजभवन वापस गए। ये नेपाल कोई भूल ही नहीं सकता है कि
नेपाल में आम लोगों की भावनाओं को महत्व देने के लिए भारत ने जबरदस्त मदद किया और नेपाल इसके लिए ऋणी भी रहता है, मानता है कि हमारे यहाँ जैसे आर्मी शासन नहीं आए, कोई तानाशाह नहीं आए। राजा नेपाल के राजशाही में बड़ी विशेषता थी कि राजा बड़े लिबरल उदार हुआ करते थे, आम लोगों की बातों को सुना करते थे। तो वो राजशाही स्थापित हुआ या नेपाल की स्वतंत्रता कायम हुई, कोई विदेशी उसमें घुसपैठ नहीं कर सका। फिर आप हाल के वर्षों में देखिए या पहले भी 50-60 के दशक में बाढ़ की जो बड़ी समस्याएं थी नेपाल में, मृदा क्षरण हो रहा था, सिंचाई नहीं था। भारत नेपाल के बीच जबरदस्त सहयोग हुआ, भारत ने बहुत लिबरल अप्रोच अपनाया, कोसी गंडक बना, ये गंडक परियोजना, कोसी गंडक परियोजनाओं में भारत ने ही सब खर्च किया और अब जल विद्युत में उसको दिए, सिंचाई सुविधाएं दी। लेकिन जब कोरोना आया, आप देखिए कोरोना 20 में जब आया जबरदस्त प्रभाव, तो नेपाल उन देशों में था जिसको भारत ने जबरदस्त मेडिकल सपोर्ट दिया, मेडिकल सपोर्ट दिया और भारत फिर वो आगे इस सुविधाओं को बढ़ाते रहा, बराबर बढ़ाते रहा। अभी देखिए कि वो यात्राओं को बढ़ाने के लिए, धार्मिक यात्राओं को बढ़ाने के लिए रामायण सर्किट आदि का विस्तार हो रहा है, तो बराबर दोनों मिलजुल कर काम करते हैं, ये मेरा कहना है। जी सर, आपने दोनों देशों के सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों के विषय में, उसके समानताओं के विषय में हमें बताया, लेकिन अगर विकास की दृष्टिकोण से देखें तो भी ये देश एक दूसरे के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, इस पे आप कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, विकास के दृष्टि से सही अर्थों में ये दोनों देश एक दूसरे के पूरक हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका विकास ना तो भारत अकेले कर सकता है और ना तो नेपाल अकेले कर सकता है, जिसमें सबसे प्रमुख है जल संसाधन। नेपाल में ही भारत की सभी प्रमुख नदियों का जल स्रोत है, वहीं पर वर्षा से नदियां निकलती हैं और वे नदियां पहाड़ पर तेजी से चलती हैं, मैदान में आती हैं तो फैल जाती हैं, तो बिहार आने के बाद ही वो मैदान में इंटर करती हैं, या कुछ नदियाँ उत्तर प्रदेश में आने के बाद, कुछ बंगाल में आने के बाद। तो ये नदियाँ जो बहुत पानी लाती हैं वहाँ से, इन राज्यों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करती है। आपने सुना होगा, आप दर्शक जानते होंगे कि कभी कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता था, क्योंकि ये नदी जबरदस्त आकस्मिक बाढ़ लाती थी और अपनी धार को बदलते रहती थी। कहते हैं कोसी नदी ने अपनी धार को लगभग 200 किलोमीटर के बीच बदला है, तो इससे जनधन की भारी क्षति होती थी, फसल बर्बाद होते थे। दूसरी तरफ नेपाल में मृदा क्षरण होता था, क्योंकि ढालवों भूमि थी, तो मृदा क्षरण से उपजाऊ भूमि उर्वर भूमि नहीं रह पाती थी, और जब वर्षा खत्म हो गया, सिंचाई नहीं, तो फसल भी नहीं हो पाता था, और उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, जिसको कहते हैं जीवन निर्वाह की अर्थव्यवस्था थी, जंगली उत्पाद पर लोग निर्भर करते थे, कुछ फसल उत्पन्न करते थे। तो भारत और नेपाल ने मिलकर आर्थिक विकास को जो नीति अपनाई, इसमें सबसे पहली प्राथमिकता दी गई बहुदेशीय नदी घाटी योजनाओं को। इसका उद्देश्य था कि ना सिर्फ एक बाढ़ रोकना है तो भारत को लाभ होगा, सिंचाई प्रदान करना है तो भारत और नेपाल दोनों को लाभ होगा, विद्युत उत्पन्न होगा तो भारत नेपाल दोनों को लाभ होगा, दोनों ही देश के लोगों को रोजगार मिलेगा। नेपाल में वाटर शेड एरिया डेवलपमेंट, भूमि संरक्षण कार्यक्रम नेपाल के क्षेत्रों में हमने प्रमोट किया, नेपाल में हमने प्राकृतिक बांध बनाए, नहर बनाए, विद्युत सुविधाएं दी जो मैंने आपको कहा। तो इस प्रकार से नेपाल के विकास में, आज जो नेपाल की आर्थिक स्थिति है, खासकर जल संसाधन का विकास और विद्युत, जल विद्युत विकास, और फिर इसी के साथ जुड़े हुए काम हुए, हमने वहाँ परिवहन विकास का जबरदस्त काम किया है, रोड विकास का, रेलवे विकास का भी मैदानी क्षेत्रों में, ये सब भारत के सहयोग से हुआ। विदेश व्यापार में भी हमने बहुत सारी सुविधाएं उनको कस्टम से रिलेटेड कलकत्ता पोर्ट पर दिया, तो इन सभी चीज़ों से नेपाल की अर्थव्यवस्था मजबूती पा रही है और आगे बढ़ रही है। नेपाली भी इसको, नेपाल के लोग भी समझते हैं, और भारत तो इसे एक कर्तव्य या दायित्व के रूप में लेता है पड़ोसी देशों को मदद करना। सर, भारत और नेपाल के बीच विकास दृष्टिकोण से भी काफ़ी परियोजनाएं भी चलती रहती हैं, जिसमें भारत काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं जो अभी दर्शकों को बता रहा था उसी को मैं आगे बढ़ाते बताऊँ। जैसे कि
अभी भारत और नेपाल के बीच एक समझौता हुआ है जिसके अंतर्गत 9 बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं को कार्यान्वित करना है, जिसमें से 5 पर काज शुरू हो गए हैं, कुछ कंप्लीट भी छोटे छोटे हो गए हैं। तो इसी में देखिए एक है सप्तकोसी विकास परियोजना। सप्तकोसी आपको थोड़ा बता दें हैं कि ये कोसी का पर्वतीय क्षेत्र जो है नाम वो सप्तकोसी मैदान में आके वही कोसी बन जाती है। तो कोसी नदी के पर्वतीय क्षेत्रों में छोटे छोटे बांध बनाकर बंडिंग भी कहते हैं, बंडिंग मतलब वह कि पानी को धीरे धीरे बहने देना, तो कटान कम होता है, ये बनाकर। और उसकी 3 सहायक नदियाँ हैं, तो बहुत नदियाँ हैं लेकिन 3 बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक अरुणा है या अरुण नदी कहते हैं, सूर्य कोसी कहते हैं और तैमूर, ये 3 बड़ी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। तो सूर्य कोसी, अरुणा, सप्तकोसी, इन सबों पर ऊपरी पर्वतीय क्षेत्रों में छोटे छोटे बांध बनाकर हम भूमि क्षरण को रोक रहे हैं। उसमें सारा योजना भारतीय सपोर्ट कर रहे हैं। बता दूं अभी भी नेपाल में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो 3/4 से अधिक भारत का ही है, भारत ही वहाँ पर निवेश कर रहा है। क्योंकि भारत का उद्देश्य स्पष्ट है कि लोगों से जुड़ाव हो तो लोगों की भलाई हो। कुछ मुद्दों पर तनाव भी अगर हुए नेपाल से तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं भारत ने उस पर ध्यान नहीं दिया और विकास के कार्य नहीं किया। एक छोटा सा उदाहरण दूं, एक मधेसी आंदोलन जब बहुत चलने लगे तो मधेसियों ने हंगामा शुरू कर दिया, भारत से जो रोज हजारों ट्रक जाते थे उन सबको रोकना शुरू कर दिया। तो भारत ने बॉर्डर पर ही ट्रक रोक दिया और 21 में से 19 क्रॉसिंग जो भारत नेपाल सीमा पर था 19 बंद हो गए। नेपाल के यहाँ अनाज महंगा हो गया, सारे सामान की दाम खासकर पेट्रोल आसमान छू गया, नमक बहुत महंगे हो गए। तो भारत सरकार ने कहा या भारत का दृष्टिकोण था कि भाई हम तो सामान भेजने तैयार हैं, रक्सौल में हजारों ट्रक की कतार लगी हुई है, हम तैयार हैं भेजने को आपको, लेकिन हम वहाँ गोली चला के नहीं भेजेंगे, वहाँ के लोग आपका मधेसी, क्योंकि वो भी मेरे ही जनता जैसे हैं, वो मेरे भाई जैसे हैं, आप समझौता कीजिए जनता से, आप पीसफुल इंटरनल डोमेस्टिक एटमोसफेयर बनाए, भारत आपके सहयोग। और वो जब हो गया तो फिर भारत ने तुरंत सहयोग किया। तो भारत सदैव व्यापारिक सहयोग, विकास में जल विद्युत, मृदा संरक्षण, जल प्रबंधन यानी बाढ़ से मुक्त रुकना, सुरक्षा, और जब भी भूकंप आया, भूकंप में भारत ने जबरदस्त मदद किया नेपाल को, वो भूकंप, फिर मैंने कोविड आपको बताया। तो जब भी किसी प्रकार का संकट आया, चाहे वो प्राकृतिक हो, मानवीय आपदा हो, सब में भारत ही उसका सबसे बड़ा सहायता करने वाला देश रहा। नेपाल इसको समझता भी है और नेपाल भी ऐसा नहीं कि भारत विरोधी काम ही करता है, नेपाल ने भी कई मुद्दों पर, खासकर कश्मीर मुद्दे पर और भी कई मुद्दों पर भारतीय दृष्टिकोण का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी समर्थन किया, या कम से कम भारत का विरोध नहीं किया उन्होंने। तो ये दोनों देशों के बीच रिश्ते का एक बहुत बड़ा आधार है। और आपको बता दें ये रिश्ता टूट नहीं सकता, जैसे पशुपतिनाथ का मंदिर है, वो भगवान शिव के एक प्रमुख मंदिरों में है और वहाँ का पुजारी कर्नाटक का गिरी परिवार से है, वहाँ कोई नेपाली पुजारी नहीं है, ये बराबर ही है। तो कहाँ कर्नाटक, कहाँ नेपाल, ये कौन विरासत, कितने हजारों वर्ष पहले जो स्थापित हुए उसको एक छोटी मोटी घटनाएं तोड़ नहीं सकती है। इसलिए जब प्रधानमंत्री ने कहा कि रामायण सर्किट जो है हम इसका विस्तार नेपाल तक करेंगे, तो ये क्या बताता है, इसी को मजबूत करता है कि दो देशों के बीच आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और विरासत में आने वाली सभी संबंध इतने मजबूत हैं, इसे आसानी से कोई हिला नहीं सकता है। जी सर, आपने रामायण सर्किट परियोजना की बात कही, तो 9 राज्य के 15 स्थान इससे जुड़े हुए हैं, तो ये परियोजना काम कैसे करती है और इससे क्या लाभ हो रहा है दोनों देशों को, इस विषय में आप हमारे दर्शकों को जानकारी दें। रामायण परियोजना
वर्तमान भारत सरकार जो है इसकी एक मानसिक उपज है, बहुत अच्छी चीज़ है। आपने ठीक कहा, 9 राज्य के 15 प्रमुख उन स्थलों को ये जोड़ता है जो रामायण के विभिन्न पात्रों से जुड़ा हुआ है। लेकिन आपको बता दें, शायद आपको आइडिया हो या दर्शक को आइडिया हो, नहीं हो तो, कि अब भारत सरकार ने इसके एक्सपेंशन विस्तार की भी योजनाएं बनाई जिसमें नेपाल और श्रीलंका को भी जोड़ना है। श्रीलंका के उन स्थलों को जहाँ माँ सीता को रखा गया, अशोक वाटिका, कई गुफाएं हैं जहाँ पर कि ये वानरी सेना गई थी, या फिर विविध प्रकार के अवशेष या अवशिष्ट वहाँ जो हैं, जो इसको बताते हैं कि शायद रामायण से संबंध रहा, उन जगहों को जोड़ना है। और नेपाल में भी उन जगहों को जहाँ से कि भगवान राम और सीता का संबंध रहा, तो उसमें सबसे बड़े जनकपुर धाम है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी जब 2018 में नेपाल गए, तो उसी समय उन्होंने कहा कि जो रामायण सर्किट योजना है इसमें अयोध्या और जनकपुर को जोड़ दिया जाएगा। बाद में उसे वाल्मीकि आश्रम और भी कुछ जगहों से जोड़ने का उद्देश्य है, ये जुड़ाया। लेकिन फिर कोविड के कारण कुछ उसमें बाधाएं आई, लेकिन अब फिर उसको रिवाइव किया जा रहा है। देखिए, रामायण सर्किट जो है इस ये कोई धार्मिक परियोजना नहीं है, यह आर्थिक विकास के लिए, धर्म स्थलों के विकास की परियोजना है, आर्थिक विकास के लिए। इससे परिवहन और पर्यटन और होटल उद्योग, परिवहन, पर्यटन, होटल उद्योग, ये तीनों भारत, नेपाल और श्रीलंका में इतने जबरदस्त फलेंगे फूलेंगे कि एक तीर्थयात्रा भी हो गया, पर्यटन भी हो गया, और आसपास के क्षेत्रों के विकास में योगदान भी होगा। अब समझ रहे, भारतीय पर्यटक नेपाल श्रीलंका कम जाते थे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि श्रीलंका में कहाँ कहाँ रामायण या सीता से जुड़े हुए स्थल हैं। अब उसको श्रीलंका की सरकार भी बहुत फोकस कर रही है, हमारी सरकार कर रही है, और रामायण परियोजना पर लिंक दिया जा रहा है। ये सर्किट जो है इसका मूल है कि कनेक्टिविटी, स्मूथ कनेक्टिविटी, ऐसा कनेक्टिविटी कि जब चाहें अयोध्या से जनकपुर धाम जा सकते हैं, जब चाहें जनकपुर धाम से जा सकते हैं। प्रारंभ में भी पब्लिक बस सर्विस, फिर धीरे धीरे प्राइवेट बस सर्विस भी आएगी, टैक्सी सर्विस आएगी। जो एक बार रोड विकसित हो गए, सुविधाएं विकसित हो गई, तो लोगों की यात्रा सुगम होगी। तो एक तो धर्म कर्म भी हुआ, पर्यटन भी हुआ, आर्थिक विकास भी है। इसलिए एक जबरदस्त योजना है, इसके फलीभूत क्रम ये चल रहा है। जब पूरी योजना लागू हो जाएगी तो ये सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन और टॉलरेंस का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण होगा। जी सर, सर आपने हमें बहुत जानकारी दी दोनों देशों के संबंधों के विषय में, क्या इतिहास रहा इन दोनों देशों के संबंध में, और आज के समय में ये दोनों देश कैसे एक दूसरे के साथ, आज भी एक दूसरे के साथ खड़े नजर आते हैं। तो अब हम अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं, आप जाते जाते हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं दर्शकों को संदेश देना चाहूँगा कि ये जो रामायण सर्किट जो विकसित हो रहा है और बहुत सारी विकास योजनाएं हैं, ये आपको नेपाल भ्रमण के लिए प्रोत्साहित करें। कम लागत में, कम खर्च में आप जाने तीर्थ स्थल, जनकपुर धाम, पशुपति धाम और वाल्मीकि आश्रम जैसे अनेक स्थलों का भ्रमण करें। आपको पता चलेगा कि नेपाल के लोग कितने सौहृदय वाले हैं, कितने अच्छे हैं, और आपको वहाँ की संस्कृति और अपनी संस्कृति के बीच मेल मिलाप का पता चलेगा। और मैं तो चाहूँगा कि नेपाल के लोग भी, बहुत सारे नेपाली जो यहाँ काम करते हैं, वो भारतीय विरासत को नेपाल में फैलाएं। नेपाल भारत के संबंधों को आम लोग जितना ही सुदृढ़ करेगा, वह उतना ही चमकदार और मजबूत होगा। दर्शकों, आज हमने अपने कार्यक्रम में बात की भारत और नेपाल के संबंधों के बारे में, कैसे ये दोनों देश अनादिकाल से एक दूसरे के साथ हर परिस्थिति में खड़े नजर आए हैं, जिसके लिए हमारे साथ चर्चा में जुड़े थे प्रोफेसर राजबिहारी प्रसाद जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, प्रणाम। दर्शकों, इस अंक के लिए इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम नेपाल सेंट्रिक के अगले अंक में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए डीडी बिहार। नमस्कार।